चाहता हूं कि सीवान जिला में अनईस प्रखंड है और अनईस प्रखंड के जो अप्लाई किए हैं राशन कार्ड के लिए करीब 80,000 कई महीनों से लंबित पड़ा हुआ है और गरीबों को राशन कार्ड जो लाभुक है योग्य है उन्हें अभी तक नहीं दिया जा रहा है। क्या आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इतने लंबित और बहुत दिनों से राशन कार्ड जो अभी है प्रशासन के अधीन उसको आपको जानकारी है? अगर जानकारी है तो यथाशीघ्र जिनके राशन कार्ड है उनको राशन कार्ड दिलवाने की दिशा में आप क्या कार्रवाई करना चाहती है ये मैं आपके माध्यम से। माननीय सदस्य अभी तो आपने जानकारी ही दिए हैं तो वो उसको दिखवा लेंगे। माननीय मंत्री जी आप दिखवा लेंगे। अध्यक्ष महोदय ये एक सतत प्रक्रिया है। आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में कोरोना काल में बड़ी संख्या में गरीब लाचार लोगों का राशन कार्ड बना है। 32 लाख व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम जोड़ा गया है, उनको लाभ दिया जा रहा है। अभी भी जो ये निरंतर प्रक्रिया है, लोग प्रपत्र को भरकर आरटीपीएस काउंटर में देते हैं, उसका विहित प्रक्रिया है, जांच करा के फिर जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। 32 लाख व्यक्ति को दिया गया है। ये कोरोना काल में माननीय मंत्री बोल रहे हैं। और जहां तक सीवान जिले की बात कही माननीय सदस्य ने कहा है, ये तो प्रश्न में सिर्फ नौतन प्रखंड का ये मामला प्रश्न में ये अंकित है और मैं दिखवा लूंगी सीवान जिले का जो लंबित मामले हैं उसको जल्द से जल्द निष्पादन करा के आपकी भावना के अनुसार उसको। महोदय पूरे बिहार से संबंधित है क्योंकि सीवान में ही नौतन प्रखंड है, इसलिए मैंने आपके माध्यम से सूचना दिया कि बहुत दिनों से राशन कार्ड बन गया है और लंबित है, वितरण नहीं हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो वो बन गया है उसको वितरित करवा दीजिए। इसी के लिए मैं सरकार हमको बोला। महोदय माननीय मंत्री जी ने जो बताया है कि यह सतत प्रक्रिया है, सीधे डायरेक्ट पूरक पूछिए, बिल्कुल सही है। भूमिका बनाइएगा तो और सदस्य मेरा उसमें इतना ही बस सवाल है, बहुत छोटा सवाल है और पूरे बिहार के लिए है कि गरीब हमेशा छूट जा रहा है और जो योग्य नहीं है वही लोग जुट जा रहे हैं। महोदय ये सबसे बड़ा उसमें सवाल है और इसीलिए यह प्रश्न उठा रहा है आपका। गरीबों को जोड़ने के लिए सरकार अधिकारियों पर दबाव डाले, निर्देश दे ताकि गरीबों को जोड़ सके। राशन कार्ड अमीर का बनता है कि गरीब का ही बनता है? बैठिए बैठिए। अयोग्य लोगों का बना है महोदय, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। उदाहरण के साथ दीजिए, मौखिक हवा में बात मत करिए, उदाहरण दीजिए, जांच करवा लेंगे। माननीय मंत्री बताइए कहाँ का है, कौन सा व्यक्ति का है? पूरे सिवान में, बरौली में, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ। वरिष्ठ लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं। नहीं महोदय, वरिष्ठ कह करके मेरे सवाल को छोटा ना किया जाए, यह सवाल महत्वपूर्ण सवाल है और पूरे बिहार में गरीबों का जो है नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहा है। नाम बताइए, आप लिख के दे दीजिएगा, दिखवा लेंगे। चलिए अब श्री ललन कुमार, माननीय सदस्य श्री ललन कुमार।